हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और 1% की गिरावट के साथ बंद रहा, आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे। अभी तो इसका RSI 32 के आसपास पहुँच चुका है, सपोर्ट एरिया फिर से इसका करीब आ चुका है कहीं ना कहीं। पिछली बार भी यहाँ पर आया था, छोटा सा, एक छोटा तो नहीं, मीडियम भी कह सकते हैं, 7-8% के आसपास की यहाँ से बाउंस बैक आया था। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ यहाँ पर किसी को जो है नोटिस नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ कमेंट्स आए थे उसके ऊपर कि इसके ऊपर जो है व्यूज़ डालिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ज़रा देखें, तो ये जो गिरावट आ रही है जो है वो कम वॉल्यूम के साथ आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसको क्या पॉजिटिव क्या कह सकते हैं या फिर नेगेटिव कह सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पॉजिटिव तो नहीं कह सकते क्योंकि गिरावट आ रही है, लेकिन इसको नेगेटिव भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरावट आती तो ऐसा लग रहा जो है हो सकता था कि प्रेशर काफ़ी जो है ऊपर में है, सेलिंग प्रेशर है, उसके लिए जो है ये गिरावट आ रही है। लेकिन ये कम वॉल्यूम, काफ़ी कम वॉल्यूम, यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था। अब ये भी यहाँ पर सोच सकते हैं कि जहाँ जिन्होंने यहाँ पर इतना ऊपर जब बाइंग किया होगा उनका क्या होगा, और यहाँ पर जो है हमने गिनती भी की थी, कल भी हमने वीडियो उसके ऊपर बनाई थी, 3 करोड़ से भी ज़्यादा की अगर ये टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें, डिलीवरी वॉल्यूम उतनी जो है यहाँ पर क्वांटिटी खरीदी होगी, तो उन्होंने भी किसी ने सोच समझ कर खरीदा होगा। किसने सेल किया, किसने बेचा और बाय किसने किया, तो उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यहाँ पर जो है किसी ने मतलब कि सोच समझ कर ही खरीदा होगा, फिर भी शेयर ये इतना गिरा है। लेकिन अब ये वॉल्यूम ज़रा देखें, काफ़ी कम हो चुका है, तो यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे आ चुका है, तो जो सेलर्स है उनको भी शायद जो है वो पता है कि ये जो है शेयर मतलब कि इस प्राइस के ऊपर जो है वो बेचने को ज़्यादा राजी नहीं है। बायर्स तो है लेकिन ज़्यादा खरीदार नहीं है, सेलर्स नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। छोटे छोटे ट्रेडिंग हो रही है कहीं ना कहीं, और अब यहाँ पर हो सकता है कि बाज़ार को इसके Q2 के रिजल्ट का भी इंतजार हो। कल उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे कब तक आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी उसकी तारीख आ सकती है और उसका रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है। पहले तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट का चार्ट आज के दिन क्या हुआ, सवेरे से ही ये गिरावट थी, लेकिन उसके बाद अभी ये गिरावट भी अगर आप देखें तो एक लिमिटेड हो रही है, थोड़ा सा गिरता है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो संभला हुआ है। वीकली चार्ट के ऊपर एक अच्छा संकेत भी दिख रहा है, वो भी हम देखेंगे। साथ साथ अगर देखें यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि अभी जानबूझकर मतलब कि जो है इन्वेस्टर को ये डराया जाए। एक चीज़ खास यहाँ पर ध्यान अगर रखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए वो भी हो सकता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है, अब की बार अगर तेज़ी आती है और अगर ये 1000 रुपये के आसपास जाता है, 1250 के आसपास जाता है जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा था, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि इतना नीचे आया उसके बाद इन्वेस्टर यहाँ पर बेच दे, उसके बाद ये भी संभावना हो सकती है कि और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। हाँ, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जल्दी भी तेज़ी आ सकती है, तो ये जानबूझकर ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर बेचने थोड़े से बेचने के बाद अगर और शेयर भागता है तो भी जो है फ़ायदा रह सकता है जो शेयर पड़े हुए हैं उसके अंदर, और ख़रीदना अगर कोई चाहता है तो उसमें भी थोड़े से शेयर खरीदे तो उसके बाद शेयर और गिरता है तो वापस से अगर किसी को एवरेज करनी है, वापस से बाय करना है तो भी कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन रह सकता है। मतलब कि यहाँ पर अगर देखें फॉर एग्जांपल किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 2-2 करके खरीद सकते हैं, 3-3 करके खरीद सकते हैं, इस प्रकार से परसेंटेज की अगर बात करें तो 25%, 33%, 50% इस तरीके से खरीदना है तो खरीद सकते हैं, बेचना है तो भी उस तरीके से बेच सकते हैं, जब भी उछाल आए तब की बात है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नीचे कमेंट जरूर करें आपके अगर कुछ सवाल है, तो ज़्यादातर सवालों का जवाब हम वीडियोस के अंदर देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर वीकली चार्ट अगर देखते हैं, फिलहाल अभी भी जो है ये जो डोजी कैंडल बनी थी पिछले हफ्ते, अगर उसका हाई क्रॉस कर देता है तो तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, फ्राइडे तक की बात करें तो। वीकली चार्ट है ये, लेकिन यहाँ पर बुलिंजर बैंक लगाया है तो यहाँ पर इसकी जो निचली लाइन है वो अगर यहाँ पर देखें तो फ्लैट हो चुकी है। पहले ये क्या कर रही थी, नीचे जा रही थी, तो ये थोड़ा सा अच्छा संकेत यहाँ पर दिख रहा है, नीचे लगातार जा रही थी, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। अब ये एक लाइन अभी फिलहाल क्या है, इस तरीके से फ्लैट हो चुकी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सपोर्ट एरिया जो है वो कहीं ना कहीं अब पास है, ये चीज़ दिख रही है, और निचली लाइन अभी 725 के आसपास है। ओवरऑल 700 रुपये के आसपास भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इसको, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हफ्ते जो है थोड़ी सी स्ट्रगलिंग हुई थी जब ये तेज़ी आई थी इसके अंदर, और ये जो है 700 से 750 का जोन है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक, तो यहाँ पर भी 730-725 उसी लाइन के आसपास जो है निचली लाइन है उसकी, तो ये लेवल अच्छा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन RSI को भी देखेंगे, फिलहाल MACD को देखें तो हल्की सी स्ट्रेंथ के अंदर जो है यहाँ पर कमी हुई है, पहले वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, अब यहाँ पर ज़रा देखें RSI 32 के आसपास आ चुका है, पिछली बार यहाँ पर 25 के आसपास आया था, फिर एक बाउंस बैक आया था, यहाँ पर 28 के आसपास आया था, फिर एक बाउंस बैक आया था, इस बार कहाँ तक आता है वो देखना बनता है। और यहाँ पर जो लग रहा है क्योंकि 745 का प्राइस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट एरिया इसका जिस लेवल के ऊपर है वहीं इसका सपोर्ट हो सकता है, उसके बाद जो है 740 से लेकर 735 का जोन, उसके नीचे जो है 720 और उसके नीचे 710 से लेकर 700 का जोन नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है कहीं ना कहीं। अगर इस लेवल के आसपास भी आता है तो भी इसका RSI अच्छा खासा नीचे जा सकता है, वहाँ से वापस से बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका
765 के आसपास, उसके बाद जो है तकरीबन 800 रुपये के आसपास, 800 से 820 और उसके बाद 850 रुपये के आसपास का जोन ये दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। ये भी ना भूलें कि इन्होंने ऑलरेडी 3100 करोड़ रुपये बड़ी रकम जुटा ली है, तो उससे जो है अपने ये पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। थोड़ी वक्त लग सकता है लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद इसका पी रेशियो जो भी हाई है, पीएस के मुकाबले वो कम हो सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।